Guys, what's up and welcome back to my channel. 1:40 हुए दोपहर के और मैं विंडो में बैठा हूँ क्योंकि बोर हो रहा था मुझे और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया अभी जस्ट शूट करना. और सुबह क्लास गया था और फिर क्लास से आके मैंने खाना खाया और अभी व्लॉग कर रहा हूँ मैं. मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 34 डिग्री टेम्परेचर है और घर में भी बहुत ही ज़्यादा गर्म होते रहता है, तो उसके लिए मैंने विंडो बंद रखी है तो बाहर की गर्म हवा घर में ना आए और गर्मी कम लगे, क्योंकि टफी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल हम गए थे घोराई बीच, फेरी से गए थे और वहाँ पे कैफ़े को जो गोवा वाइब्स देता है, लेकिन हमारा प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि हाई टाइड था और पानी कैफ़े तक आ गया था और वो कैफ़े का एंट्रेंस भी बीच से ही है तो हम अंदर जा नहीं पाए और रिटर्न आ गए थे. गाइस, तो अभी हमने बोरीवली से फेरी लिए जहाँ से एसएलवर और वाटर किंगडम के लिए जाते हैं, यहाँ से घोराई के लिए भी जाती है फेरी. एक्चुअली हम बहुत ही लेट है, सनसेट हो गए हैं और बीच पे कैफे, तो सनसेट के टाइम पहुंच जाते तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है और क्लियर स्काई और ये छोटे छोटे क्लाउड्स अच्छा लग रहा है. सनसेट भी हो रहा है अभी और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है मुंबई में भी 2-3 दिन से. सो फेरी से उतर कर हम लोग ये बीच तक जाने के लिए और यहाँ पे ये बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है तो ये हमें बीच में ही उतार देंगे, वहाँ से चल के जाना पड़ेगा. हाई टाइड है तो हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है. बहुत मेहनत करने के बाद ट्रैवल करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर दूर लाइट चल रही है, वहाँ पर कैफे से सब और सब क्राउड अभी बाहर निकल रहा है. बीच कैफे से जान सी बंद यहाँ पर आकर गेम खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेटिंग है. और अभी हम आए हैं बालाजी रेस्टोरेंट में. कन्फ्यूज और ये मीम मटेरियल बन चुके हैं क्योंकि इसने आइसक्रीम को अभी क्या बोल दिया, बेवरेज बोल दिया. अभी हम कैफे में आ रहे हैं, सब बिजी है. राज भाई कॉल पे है, मनन फोटो निकालने में बिजी है, ओम और दीदी दोनों फोटोज ले रहे हैं. खाना आया नहीं कि दोनों के फोटोज क्लिक करना चालू हो जाता है. थैंक यू. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. हाय, माय नेम इज नंदिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल. डॉक्टर नंदिनी फ्रॉम गुजरात. सो गाइस, अभी रात के 11 बजे और हम सब जा रहे हैं जूह बीच. ऐसे ही कैफे में बैठ के प्लान बन गया कि रात को ट्रिप पे जाना है तो हम बीच पे पहुंच गए गाइस और व्यूज की आवाज़ आ रही है जो बहुत ही पीसफुल लगता है व्यूज का आवाज़. और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे फूड स्टॉल से आके. A few moments later. गाइस, बीच पे घूमना हमारा नसीब में नहीं. कल भी घोराई बीच गए थे, वहाँ से हमें रिटर्न जाना पड़ा और अभी भी यहाँ पे पुलिस ने जाने नहीं दिया, हमें भगा दिया. रात का 1 बजा और अभी हम कुछ ढूंढ रहे हैं खाने पीने के लिए. सब शॉप्स बंद हो गई है तो कुछ मिल नहीं रहा. फाइनली गाइस, हमें आइसक्रीम शॉप मिल गई और अभी हम खाएंगे आइसक्रीम. और ओम मनन और राज भाई आके गए, उन लोग को शेक पीना था और मैं भाभी और दीदी आइसक्रीम खाने आ गए. बाहर बहुत ही गर्मी है तो अंदर आके एकदम सुकून मिल रहा है इसी की हवा में और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा के. और सब ने चॉकलेट आइसक्रीम ली है. टाइम 1:30 हुआ है और अभी मैं लोग इडली खा रही थी, हमने ऑलरेडी इडली खा ली है और राज भाई वहाँ पे इडली खा रहा है. लाइक शेक और आइसक्रीम खाने पीने के बाद कौन इडली खाता है गाइस. गाइस, रात के 2 बजे और हम फाइनली घर पे आए. अभी जू बीच गए थे तो ये ओम और राज भाई ने दोनों ने इडली खाया तो वहाँ पे टाइम लग गया. तो गाइस, ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं. अगर आपको अच्छा लगा यहाँ तक तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले ब्लॉग में. बाय बाय.